घूमने के लिए ना कोलकाता बहुत अच्छा जगह है, अगर आपको आना है तो ज़रूर आइए। कोलकाता हिंदुस्तान का वो शहर जो हिंदुस्तान के इतिहास का सबूत है। तो चलिए इस लॉकडाउन में आपको कोलकाता के बारे में बताते हैं। चलिए कोलकाता के एक स्पेशल जगह से आपको रूबरू कराते हैं जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। तो अभी हम लोग काफ़ी जगह को क्रॉस करते हुए वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, आप लोग के लिए सरप्राइज है। और कोलकाता को ना सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ये सबसे पुराना शहर होने के बावजूद भी कोलकाता कभी भी पुराना नहीं हुआ, समय के साथ बदलता गया, साथ साथ शहर बदलते गए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे मैं पर्सनली सच में बता रहा हूँ कि काफ़ी टाइम रहकर, कम से कम 10 दिन रहकर एक्सप्लोर करने वाला हूँ हर एक चीज़, और काफ़ी एक्सप्लोर करूँगा और एक एक सीरीज़ इसका जो होता है वो लाऊँगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हमने जो आप देख रहे हैं ना वो है विप्रो का ऑफिस, और यहाँ से प्राइवेट सेक्टर चालू होने वाला है। एक सच्चाई बताना कि मतलब कोलकाता जो है ना एक डायनेमिक सिटी है, क्या ही बताएं, मतलब इतना डायनेमिक सिटी है ना कि मतलब कोलकाता सिर्फ वेस्ट बंगाल की राजधानी नहीं है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का इमोशन है जो मतलब दिल से चाहते हैं यहाँ के लोग। मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मैं साल्ट लेक एरिया में आ चुका हूँ और मुझे जहाँ जाना था उसमें प्रवेश कर चुका हूँ। प्रॉपर कोलकाता में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो आपको जो आज चीज़ दिखाने वाले हैं ना वो बहुत ख़तरनाक है, तो चलिए आपको देरी बिना किए हुए आपको दिखाते हैं। तो हमारा नाम राजीव आर्या है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं ना, आज कोलकाता में आपको विदेश का नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो कोलकाता जो है अपना बहुत पुराना शहर है, लेकिन उसमें नया शहर न्यू टाउन के नाम से एक शहर बसा है, जिसे प्लान करके बसाया गया है। तो आपको हम दिखाते हैं कि वो चीज़ है क्या। बहुत सॉलिड चीज़ है, मतलब एकदम सॉलिड कहा जा सकता है कि अभी उसका ना थोड़े थोड़े से प्रचार बंगाल सरकार कर रही है, इंडिया भी कर रही है, इंडिया सरकार भी। तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। तो भैया ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है विश्व बंगला गेट। तो ये इसे बनाया गया है, प्लान करके बनाया गया है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा दृश्य बनाया गया। ये देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी है। अभी तो लॉकडाउन है, यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन क्या है ना कि काम 25 पूरा कर दिया है। ऊपर जाने का भी है सीन, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाने का परमिशन किसी को मिलेगा या कोई जा भी सकता है, लेकिन काफ़ी शानदार है। और ये भी देख लीजिए इधर का भी सीन, पूरा मतलब स्मार्ट स्ट्रीट वहाँ लिखा हुआ था कुछ दूर पहले, और यहाँ पे भी लिखा है स्मार्ट प्लाजा यहाँ पे इस बोर्ड में। तो ये है नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो का काम भी चल रहा है। अभी मेट्रो तो बंद ही है, बट कोई नहीं, ठीक है, काम 25 पूरा है। दिखाने वाले थे स्पेशली आपको, और इसके बारे में बताते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ आने का आपको सबसे अच्छा उपाय बताते हैं, हावड़ा या कोलकाता के किसी भी स्टेशन पे आइए। उसके बाद आप, क्योंकि कोलकाता तो कहीं से भी जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा जगह नहीं है नहीं जुड़ा होगा। अगर हावड़ा से आ रहे हैं तो S12 बस से आइए, इलेक्ट्रिक बस से आइए, और आपको आसानी से मिल जाएगा। न्यू टाउन के लिए न्यू टाउन कहिएगा तो आ जाए, उसके बाद नहीं तो ओला ले सकते हैं, रैपिडो कर सकते हैं। रात में ये रास्ता ना पूरा लाल लाइट हो जाता है, ये जो सब देख रहे हैं ना, हाँ। रात में पूरा जलता है रास्ता, अच्छा। बार बार ब्लिंक करता है, मैंने एकदम लगेगा ना एकदम क्या बोले आसमान से जा रहे हो, पूरा बार बार रेड कलर में ब्लिंक होता है पूरा सब, बहुत देखते हैं। तो भैया हम हैं निको पार्क के पास और सब कुछ बंद है क्योंकि लॉकडाउन अभी और 15 दिन तक चलेगा। आज ही के दिन से, मतलब अभी से ही स्टार्ट हुआ है बस चलना, ट्रली बोले तो सब कुछ बंद है यहाँ, अभी लॉकडाउन है। तो मैं तो इसका पक्का सीरीज बनाने वाला हूँ लॉकडाउन खुलने के बाद, पक्का मतलब एकदम खतरनाक वाला हर चीज़ बताने वाला। और सामने जो देख रहे हैं ना वो इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, वो जो पतला सा लंबा सा दिख रहा है, तो उसको दिखाएंगे आगे जाके। विक्टोरिया पैलेस, और यहाँ पे अभी बंदी चल रही है इसलिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है इधर, और कोई भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ। फास्ट फूड कॉर्नर वाले भी आराम से सोए हुए हैं। तो बात ऐसा कुछ है कि अभी तो फ़िलहाल आप नहीं आइए,
लेकिन हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, आ सकते नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत लोगों का मन घर में रह रहे अजीब हो रहा होगा। तो भैया कोलकाता काफ़ी सुंदर है, अलीपुर जू, पोलो क्लब, सेकंड लार्जेस्ट बुक मार्केट, विक्टोरिया पहले, बहुत कुछ है ऐसा दिखाने को। तो प्रश्न प्रश्न ब्लॉग बना के बहुत अच्छे से सब कुछ बता के आपको दिखाने वाले हैं, तो सीरीज का बस इंतजार कीजिए। तो इस लॉकडाउन में भैया ने बहुत घुमाया है, संदीप भैया नाम है इनका। तो आप क्या कोलकाता के बारे में? घूमने के लिए दादा कोलकाता बहुत अच्छा जगह है, अगर आपको आना है तो ज़रूर आइए। और तो भैया बुला रहे हैं घूमने के लिए, तो आप कभी भी आएँ, मुझे मैं फिर आने वाला हूँ, एक बार फिर आने वाला हूँ लॉकडाउन ख़त्म होगा तो, और फिर मैं भैया के साथ ही घूमने वाला हूँ। काफ़ी इन्होंने घुमाया, सही है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जाएँ।